चलो चलते हैं घर वापस। आप पापा साहब से कहें कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें। हम चलते हैं घर वापस। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा सकता है। तुम अभी मां नहीं बनी ना, इसलिए मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। तुम ही उसकी मर्जी हो, वो ही करेगा जो तुम कहोगी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती, जो चाहिए ना मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे के साथ ये मत करो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी आपके बेटे ने वैसे ही बर्बाद कर दी है। अब कोई भी चीज उसे दोबारा बात नहीं कर सकती। कैसी लड़की हो तुम, मेरा बेटा इतनी तकलीफ में है और तुम्हारे माथे पे बल तक नहीं पड़ता। आपके बेटे की तकलीफ को बस एक दिन हुआ है और मेरी जिंदगी को आपके बेटे और आपके शौहर के हाथों बर्बाद हुए ना जाने कितने दिन गुजर गए। तब तो आपके माथे पे कोई बल नहीं आया, आपके सामने ही हुआ है ना ये सब मेरे साथ, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। शमशेर बेटा, बेटा मैं बहुत परेशान हूं, तुम बस घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर ना वो घर मुझे काटने को पड़ता है। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, तुम जो चाहोगे जैसे चाहोगे वो ही होगा, बस एक बार घर वापस आ जाओ। चलो चलते हैं घर वापस। आप पापा साहब से कहें कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें। हम चलते हैं घर वापस। एक लड़की की खातिर तुम अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दोगे? आपको भी यही लगता है कि सिर्फ एक लड़की की खातिर? जब तुम बाप बनोगे ना और तुम्हारी औलाद वो सब करेगी जो तुम कर रहे हो, तो उनको बचाने के लिए शायद तुम वही करो जो उन्होंने किया। हरगिज नहीं करता, हरगिज उन्हें धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। कभी सोचा है आपने कि अगर मैं ऐसा करता तो मेरी औलाद कितनी तकलीफ से गुजरती, कितना दुख होता उसे, कि जिसे वो फरिश्ता समझ के बैठे हैं वो असल में तो एक शैतान है। आपके थप्पड़ से तकलीफ नहीं हुई मुझे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत दर्द है। वो दर्द आपके इस थप्पड़ की तकलीफ से बहुत ज्यादा है। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ए सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने, ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की अर्जी, मेरे ना सुना देखे तू, तेरी मर्जी तेरी मर्जी।
Assalamualaikum. Please subscribe to AYR Digital YouTube channel for amazing content.